नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है। आज 1 फरवरी 2022 का दिन है और भारत सरकार ने आज अपना यूनियन बजट पेश किया है संसद में। अगर आज के मार्केट का अगर हम एनालिसिस करें तो निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये कल की जो क्लोजिंग थी वहाँ से लगभग 1% ऊपर खुला। काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग थी और लगभग 10:30 बजे तक ये 2% की गेन ले चुका था। इसके बाद ये काफ़ी देर तक साइड वे रहा। बजट की जो शुरुआत हुई थी 11 बजे, आज मिसेस निर्मला सीतारमन जी ने बजट को अनाउंस करना शुरू किया था। बजट की जो घोषणाएं होती है उसकी शुरुआत की थी उन्होंने 11 बजे औपचारिक रूप से। और उनके पूरे बजट के भाषण के दौरान मार्केट एक साइडवे कंडीशन में ही रहा, यानी कि ना तो कॉल बायर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला, ना ही पुट बायर को। और जैसे उनके बजट के भाषण की समाप्ति हुई, मार्केट में एकदम से इतना शार्प करेक्शन आया कि मार्केट निगेटिव में ट्रेड करने को लगा। आप सोचिए, 2% की तेज़ी में जो मार्केट था, बैंक निफ्टी 2% तेज़ी में था, निफ्टी 50 लगभग 1.5% की तेज़ी में था, वो निगेटिव में ट्रेड होने लगे दोनों इंडेक्स। इसके अलावा इतना तेज़ करेक्शन आया कि करेक्शन आने के साथ ही जो ऑप्शन के प्रीमियम थे वो पूरे शेड हो गए, चाहे वो पुट ऑप्शन हो चाहे कॉल ऑप्शन हो, दोनों के अच्छे खासे प्रीमियम शेड हुए। और लगभग 1 बजे तक मार्केट ने अपना लो बनाया। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में फिर से रिकवरी आना स्टार्ट हुई, वापस रिकवरी की शुरुआत हुई और मार्केट ने शुरुआत लगभग 1:30 बजे के आसपास कर दी थी। उसके बाद में 3-3:30 बजे के आसपास मार्केट लगभग अपने टॉप पर बंद हुआ। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि किसी ने अगर आज सुबह कॉल ऑप्शन बाई किया होगा तो भी वो लॉस में ही रहा होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से प्रीमियम शेड हुए आज के दिन। आज के दिन लगभग 80% लॉस अगर किसी को हुआ होगा ऑप्शन बाइंग में तो मेरे ख्याल से प्रीमियम शेयर्स उसकी वजह रही होगी। इसके अलावा कुछ जगह आज भी मार्केट में ऐसी थी जहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता था। जैसे कि किसने अगर कल शाम को, कल इवनिंग में अगर कॉल ऑप्शन बाई किया होगा तो आज 10-11 बजे तक वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में था और वो वहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। इसके अलावा जब बजट की समाप्ति हुई तो भी पुट बायर के लिए एक चांस बना था वहाँ से प्रॉफिट बुक करने का, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का। इसके अलावा जब मार्केट ने अपना लो बनाया और उस समय अगर किसी ने और ऑप्शन कॉल ऑप्शन को वापस ख़रीदा होगा तो इवन ऑप्शन का प्रीमियम शेयर होने के बाद भी वो उन लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया होगा जिन्होंने आज के लो पे ख़रीदा था कॉल ऑप्शन को। बाकी मैंने भी एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया आज, लगभग 50,000 की राशि का हमने आज प्रॉफिट बुक किया। हालांकि हम इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते थे अगर हम अपनी जो प्लानिंग है उसको थोड़ा और अच्छे से इम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन उतना हो नहीं पाया। हमने कुछ मिस्टेक की, इस वजह से हम उतना प्रॉफिट आज जनरेट नहीं कर पाए। 50,000 का हम प्रॉफिट हमने बनाया और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे और होपफुली एक अच्छा कैपिटल जनरेट करेंगे, क्योंकि मैं तो अभी मार्केट को लेकर फ़िलहाल बुलिश ही हूँ। और जो भी इन्वेस्टर लोग हैं, मैं आशा करूँगा कि आप सबकी जो कैपिटल है, आप सबके सब एक अच्छी कैपिटल जनरेट करें और आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि इंडियन और हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करें, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।